टीआरपी घोटाले में अब तक फैसला नहीं हो पाया है कि आखिर ये घोटाला है या इसे उद्धव सरकार की बदले की कार्रवाई का चोला पहनाकर घोटाला करार दिया जा रहा है। इस मामले में एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने बाग के पूर्व सीईओ को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस ने 14वीं गिरफ्तारी की है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाला मामले में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बाग के पूर्व सीईओ को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि टीआरपी मामले की जांच कर रही मुंबई अपराध शाखा की टीम ने बाग के पूर्व सीईओ रोमिल रामगढ़िया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान मामले में रामगढ़िया की कथित संलिप्तता का पता चला, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रामगढ़िया को एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ विकास खानचंदानी को टीआरपी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। हालांकि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। गौरतलब है कि बाग ने हंसा रिसर्च एजेंसी के माध्यम से कुछ चैनलों के खिलाफ टीआरपी में धांधली करने की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने इस घोटाले की जांच शुरू की थी। कुछ घरों में मशीनों के जरिए दर्शकों की संख्या का पता लगाकर टीआरपी मापी जाती है। ये रेटिंग विज्ञापन आकर्षित करने के लिए अहम होती है। बाग ने कुछ घरों में टीवी के दर्शकों की संख्या रिकॉर्ड करने वाले बैरोमीटर लगाने और उनकी देखरेख करने का जिम्मा हंसा को दिया था। आरोप है कि जिन घरों में बैरोमीटर लगाए गए थे उनमें से कुछ परिवारों को रिश्वत देकर टीवी पर कुछ विशेष चैनल चलाने के लिए कहा गया, ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके। रिपब्लिक टीवी ने कुछ भी गलत करने की बात से इनकार किया है। इस मामले में रिपब्लिक टीवी नेटवर्क को भी घसीट लिया गया था, जबकि इस मामले में रिपब्लिक टीवी नेटवर्क का कहीं कोई नाम नहीं था। पर मुंबई पुलिस ने झूठे केस में फंसा कर इस मामले को एक नई दिशा दे दी थी और अब एक बार फिर इस मामले में चिंगारी उठी है। ये मामला अभी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस मामले में शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया, टीआरपी का खेल सामान्य घोटाला नहीं है, ये पूरा 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये बदले की कार्रवाई नहीं है। मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने खुद इस घोटाले का पर्दाफाश किया है, तो उनके पास जरूर कोई ठोस सबूत होगा। जो चैनल महाराष्ट्र के नेताओं पर छींटाकशी कर रहा था, उसकी असलियत उजागर हो गई है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का ये कहना था कि ये बदले की कार्यवाही है, पर बदले की कार्यवाही को लेकर राउत ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट में छेड़छाड़ करने वाले रैकेट का पर्दाफाश बदले की कार्यवाही के तहत किया, जो कि सच भी है। अर्नब गोस्वामी का बेबाक सच बोलना उद्धव सरकार को पसंद नहीं आया। टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी को पूरी तरह फंसाने की कोशिश की गई, झूठी गवाही भी दिलवाई गई, पर महाराष्ट्र सरकार अपनी इस चाल में नाकामयाब हुई, क्योंकि इस टीआरपी मामले में दूर दूर तक रिपब्लिक का कोई नामो निशान नहीं है, जिससे उद्धव सरकार की चालबाजियों पर पानी फिर गया। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।